आज हम आ गए एकदम मेन रोड के फेमस ढाबा पे, जो कि आपको रात भर चलता हुआ मिलेगा और बहुत ही शानदार है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कुछ एम्बियंस है यहाँ का, ये देखो पूरा पेड़ है, ये पेड़ बहुत सालों से है यहाँ पर, तो इसके बीच में से इनने कटवाया नहीं, इसको रेस्टोरेंट बना दिया। ये अंदर का एम्बियंस, ये देखो ये बन रही है दाल फ्राई शानदार वाली एकदम। अभी यहाँ पे रात है, अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो भीड़। तो यहाँ पर है ना दाल बाटी चूरमा थाली भी है, 200 रुपए की, देसी घी में दाल बाटी चूरमा की थाली है, और पराठे वराठे सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूड़ी भाजी, बहुत बड़ा मेन्यू है, और बहुत सारी सब्जियाँ भी हैं, सारी सब्जियाँ हैं लगभग, और रायते की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी वगैरह मिलेगी, जो ब्रेकफास्ट का आइटम है वो ब्रेकफास्ट में ही आपको मिलेगा। तो थालियाँ लग चुकी हैं, खाना ऑर्डर करना है, तो हम सब्जियाँ डिसाइड जो हुई हैं वो बताता हूँ आपको, क्या क्या सब्जी डिसाइडेड है। एक तो दाल तड़का है ना, इनकी फेमस भी है वो, एक पनीर कोरमा है, और साथ में अपन ने क्या मंगाया, तवा रोटी है दो, और तंदूरी रोटी है, और बाटी दाल बाटी भी है ना, लेकिन थाली नहीं, दाल बाटी अलग अलग मंगाते हैं, है ना, और छाछ भी है, बूंदी रायता। तो देखते हैं कैसा इनका खाना होगा, एम्बियंस तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इनका। आ गया है, और ये दाल तड़का है, बहुत ही शानदार लग रही है देखने में यार। तो और रोटियां भी वहां पे रखी हुई हैं, वो भी आएंगी अभी। तो ये देखो दाल तड़का कितनी मस्त लग रही है, इधर आओ पास में। और ये पनीर कोरमा है, पनीर कोरमा भी बढ़िया लग रहा है, मुझे तो मन कर रहा है इसको मतलब ऐसे डिस्ट्रॉय करूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अब देखो पूरा खाना आ चुका है, ये है बिरयानी, इसमें बड़े बड़े पनीर के पीसेस हैं, मटर है, प्याज टमाटर सब कुछ, गाजर भी है, वेजिटेबल बिरयानी है ये। ये आ चुकी है हमारी बाटी, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखो ऐसे ही टूट गई, बहुत सॉफ्ट है। साथ में लच्छा पराठा, पनीर कोरमा, दाल फ्राई। तो टेस्ट करते हैं सबसे पहले पनीर कोरमा, ये हरी फ्राइड मिर्ची हमने मंगाई थी, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में तो सब्जी। इसमें मैश पनीर भी डाला है और पनीर के क्यूब्स भी डाले हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। दाल बाटी थोड़ी टेस्ट करते हैं, बाटी बहुत सॉफ्ट है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। ये इनकी दाल है, बाटी इनकी बहुत अच्छी है, दाल भी मुझे ओके लगी। एक बार इनकी बिरयानी भी खा के देख लेते हैं, थोड़ा ही बूंदी का रायता हमने मंगाया था बिरयानी के साथ, बिरयानी में बीन्स वगैरह मुझे सब कुछ दिख रहा है। बिरयानी बहुत रिच बनाई है, बहुत अच्छे से सब कुछ फ्लेवर वगैरह डाले, तो बिरयानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी। ओवरऑल खाना इज़ वेरी गुड, बाकी आप घर भी टेस्ट करके बताएगा। तो बिल्कुल सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, मिर्ची देख लो एक बार आप फटाफट, और महिमा फटाफट से मेरी थंबनेल की फ़ोटो ले ले इसके साथ में, वीडियो के साथ में थंबनेल की फटाफट फ़ोटो देनी पड़ती है। तो पहले मिर्ची खा के देखते हैं कैसी है, मिर्ची का बहुत ही मस्त स्वाद है, फ्राइड है बढ़िया से। और अब ये खाते हैं लच्छे पराठे के साथ, दाल टेस्ट करते हैं, दाल सही में वो तड़के वाली मस्त ढाबे वाली है बढ़िया। और ये टेस्ट करते हैं पनीर की सब्जी, ये देखो पनीर में हमेशा कहता हूँ सॉफ्ट होना चाहिए, और ये देखो आप सॉफ्ट पनीर है आपके सामने, तोड़ा है, टेस्ट करते हैं। मक्खन की जैसा पनीर है ना, मुंह में पूरा उतर गया, बहुत ही लाजवाब है यार सही में। बस बिरयानी मेरी फेवरेट है, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेता हूँ फटाफट से। वो इसमें पनीर डालें भाई, ये पनीर देखता हूँ कैसे, हाँ सही है। बिरयानी में फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ही अच्छी लग रही है। दूध भी है यहाँ तो बढ़िया सा यार, कढ़ाई वाला दूध पियो, और मस्त इस मौसम में, क्योंकि सर्दी आने वाली है तो कढ़ाई वाला दूध भी इन्हें चालू कर दिया। वाह 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 वाह, ये जा रही है लस्सी में मलाई, लस्सी के दूध में मलाई। ये है राजश्री राधा गोविंद पवित्र भोजनालय, और इसकी लोकेशन है MI रोड पे, आप देख सकते हो ये पूरा MI रोड है, यहाँ पे पूरा आपको ये लोकेशन मिलेगी, बाकी गूगल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो कढ़ाई वाला दूध पी के वीडियो एंड करता हूँ मैं, बहुत ही शानदार कढ़ाई वाला दूध है ये देख लो आप,
तो एंड करते हैं वीडियो कढ़ाई वाला दूध भी।